हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 22 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरह से एक डॉग ने अपने मास्टर को फाइंड किया, उसके बारे में हम चैप्टर में पहले भी वर्कशीट में रीड कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में। डियर स्टूडेंट, एज यू हैव रीड द स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, लेट नाउ द समराइज द स्टोरी। हमें क्या करना है, स्टोरी को समराइज करना है विद द फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, आइए हम देखते हैं क्या कहा गया है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डॉग। किसकी स्टोरी है ये, डॉग की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डॉग हु यूज़ टू बी वेरी हैप्पी। वो क्या रहता था, बहुत खुश रहता था। मैं टिक लगा देती हूँ, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। हु यूज़ टू बी वेरी हैप्पी, ही डिसाइड टू फाइंड अ मास्टर वर्स्ट स्ट्रोंगेस्ट देन एनीवन। वो क्या चाहता था, वो एक ऐसा मास्टर चाहता था जो इस अर्थ पे क्या हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले कौन मिला था उसे, वुल्फ मिला था। सबसे पहले कौन मिला था, वुल्फ मिला था। वुल्फ, बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। वुल्फ किससे डरता है, बियर से। तो फर्स्ट उसे कौन मिला था, वुल्फ मिला था, जो किससे डरता है, बियर से। लेकिन डॉग को कैसा जो मास्टर था चाहिए था, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। क्या है, बियर जो क्या है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो डॉग को क्या लगा कि भाई जब वुल्फ बियर से डरता है तो बियर क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट लॉयन। कुछ टाइम के बाद जो डॉग था वो किससे मिला, लॉयन से मिला, ठीक है। हु सीम टू बी स्ट्रोंगेस्ट, उसे क्या लगा कि लॉयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। ही स्टे, हु सीम टू बी द स्ट्रोंग, दस ही स्टे विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो क्या, कुछ टाइम तक, जो लंबे टाइम तक क्या रहा, लॉयन के साथ रहा। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज, देखो नेक्स्ट उसको क्या रियलाइज हुआ कि द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। लॉयन किससे डर रहा था, आदमी से डर रहा था। टू दिस डे द डॉग रिमेन मैन बेस्ट फ्रेंड, उस दिन के बाद जो डॉग है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे सारे फीलिंग द ब्लैंक्स आपको करवा दिए गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर है। को क्या कहा गया, थॉट इट ओवर डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू बिकम द सर्वेंट ऑफ वैन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ एंड ही सेट आउट द फाइंड सच अ मास्टर। और उस दिन के बाद क्या हुआ, उसको लगा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोंग है अर्थ पर वो कौन है, मैन है। और उसके बाद वो मैन के साथ में रहने लगा, उसे अपना फाइनली मास्टर कौन मिला, मैन मिला। तो क्वेश्चन दिए गए हैं 3, हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, ही क्यों यूज़ किया गया है। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज द स्ट्रोंग देन एनी वन ऑन द अर्थ। हु किसके लिए यूज हुआ है, डॉग के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, डिड द डॉग फाइनली फाइंड अ मास्टर, क्या डॉग को फाइनली अपना मास्टर मिल गया था, येस उसको अपना मास्टर मिल गया था। नेक्स्ट देखिए, हु डिड द डॉग फाइनली चूज एज हिज मास्टर, किसको फाइनली डॉग ने अपना मास्टर चूज किया, तो आ जाएगा मैन, मैन को फाइनली जो डॉग ने अपना मास्टर चूज किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई डिड द डॉग चूज अ मैन हिज मास्टर, डॉग ने मास्टर जो है वो मैन को ही क्यों चूज किया। तो देखो क्यों है, क्योंकि जो मैन है वो क्या है, स्ट्रोंगेस्ट है ना, इसीलिए तो हम लिखेंगे बिकॉज, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज मैन इज द स्ट्रोंगेस्ट। हम क्योंकि यही तो हम पढ़ रहे थे ना, उसको क्या चाहिए था, जो सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रोंग हो। देखो यहाँ पे करते हैं, द मैन इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। सब में कौन था, जो मैन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज मैन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, सबके अंदर से मैन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।